हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन फिशरीज। आज हम आए हैं वेरावड़ हार्बर विजिट करने। आज हम यहाँ देखेंगे बोट में से फिश को कैसे अनलोड करते हैं। ये वेरावड़ हार्बर है। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे फिश को बोट से निकाला जा रहा है, आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पे सभी मिक्स स्पीसीज है। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी अलग अलग फिश हैं इसमें। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। ये बोट का स्टोरेज एरिया है, इसमें काफी जगह होती है। यह अभी पूरा फिश से भरा हुआ है। ये बोट फिशिंग करके 12 दिनों के बाद आई है। इसमें करीबन 3 टन जितना माल होगा। अपनी फिश को रखने के लिए ये सब फिशिंग में जाते वक्त उतना बर्फ ले जाते हैं फिश को स्टोर करने के लिए। अंदर से ये स्टोरेज बहुत बड़ा होता है। पहले ये फिश के ऊपर से बर्फ़ को हटाया जाता है। बर्फ़ को हटाने के बाद फिश को इस कैरेट में भरते हैं। फिर इस कैरेट को दोनों साइड से हुक रॉड के हेल्प से पकड़कर बाहर खींचा जाता है। आप देख सकते हो ये रिबन फिश है, इसे यहाँ लोकल में बग्गा कहते हैं। फिश के अनलोडिंग में काफ़ी टाइम लगता है। चलते हैं आगे, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने मिलता है। यहाँ पे भी रिबन फिश की अनलोडिंग हो रही है, आप देख सकते हो। आगे चलते हैं।
यहाँ पे ये स्क्विड है। यहाँ पे इस बोट में से स्क्विड को अनलोडिंग किया जा रहा है, फिर इनको यहाँ से अलग अलग कंपनियों में ले जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी रिबन फिश की अनलोडिंग हो रही है। अनलोडिंग में काफी वर्कर की हेल्प लगती है। आज हमें यहाँ ज़्यादातर रिबन फिश देखने को मिली हैं। इन कैरेट में फिश के साथ बर्फ मिक्स करके रखते हैं ताकि ये फिश लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहे। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे ये फिश से भरे कैरेट को इस व्हीकल में चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे दूसरी फिश का अनलोडिंग हो रहा है। इस फिश को यहाँ पे लोकल में बेखली कहते हैं। ये रीफ कोड फिश है, इसे लोकल में बेकली कहते हैं। इन सभी फिश को यहाँ से व्हीकल की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे ये छोटी फिश है। इनको यहाँ से मार्केट में ले जाते हैं।
ये बर्फ़ चढ़ाने वाला मशीन है, इसके हेल्प से यहाँ से बर्फ़ को बोट में चढ़ाया जाता है।